नमस्कार, आप मुझे देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन में। ये मेरी आखिरी वीडियो है। आज के बाद हम आपको मौसम में नज़र नहीं आएंगे। मौसम की खबर अब आपको हम नहीं सुनाने वाले हैं, क्योंकि अब हम न्यूज़ फॉर नेशन से अलविदा ले रहे हैं। आपका प्यार, आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहा है और हम चाहते हैं कि और भी आने वाले दिनों में आपका प्यार और आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और खबरों से अपडेट रहे। चलिए अब हम खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, पर मौसम से जुड़ी है, जहां मौसम का ताज़ा हाल लेकर हम हाजिर हो गए हैं। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार का मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां मौसम विभाग की तरफ से बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन राजधानी पटना के टेम्परेचर में भारी बदलाव देखने को मिला है। लोग उमस वाली गर्मी से परेशान रहे, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है, किन किन जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, चलिए हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। में अगले 48 घंटे तक मॉनसून की गतिविधियां जारी रहेगी। बारिश और प्राकृतिक आपदा के लिहाज से अगले दो दिन महत्वपूर्ण है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में गुरुवार और शुक्रवार को गरज और तड़क के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को पटना स्थित बिहार के दक्षिण मध्य और उत्तर पूर्व और पश्चिमी भागों के एक दो स्थानों पर गरज और तड़क के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कैमूर रोहतास जिले के एक दो स्थानों पर भी बारिश को लेकर चेतावनी बताई गई है। शुक्रवार को भी बिहार के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर भागों के एक दो स्थानों पर गरज और चमक के साथ हल्की बारिश के पूर्वानुमान बताए गए हैं। रोहतास, पश्चिमी चंपारण, जमुई और किशनगंज जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश के लिए चेतावनी बताई गई है। अगले दो दिनों तक पटना सहित प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए रहेंगे। इससे वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक रहने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। इससे पहले अगर हम बात करें बुधवार को, तो वहीं बुधवार को बारिश की वजह से राजधानी पटना सहित कई जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। 12 शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय रहा है। पटना के अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। राजधानी का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो एक तरफ जहां मौसम विभाग की तरफ से बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार मौसम को लेकर अलर्ट बताया जा रहा है, अगर हम बात राजधानी पटना की करें तो राजधानी पटना में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम का हाल क्या कुछ रहने वाला है, किन किन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया जाएगा, ऐसे ही हम आपको अपने चैनल के जरिए अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज के मौसम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।